ओके तो फाइनली ये वीडियो होने वाली है ग्रेनेड के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। मैंने आपको इस वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा वेट कराया है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले तो कुछ जरूरी टिप्स बताऊंगा, फिर मैं आपको बर्मुडा मैप के हर एक राउंड के कुछ ऐसे लोकेशंस पर बताने वाला हूं जहां पर अगर आप ग्रेनेड को कुक करके फेंकोगे ना तो जरूर से कोई ना कोई बंदा नॉक हो ही जाएगा। तो यार सारे ग्रेनेडर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है, तो इसके लिए वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले अगर आपके पास पेट में बिस्टन है तो इसे आपको जरूर से यूज करनी है, क्योंकि बिस्टन जैसे आपका ग्रेनेड का रेंज 30% ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग रेंज में भी एनिमीज को काफी आसानी से मार सकते हो। एंड साथ ही आपके पास कैरेक्टर में एलाइट अलवारो जरूर से होना चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल अलवारो है तो और भी अच्छी बात है। एलाइट अलवारो की वजह से ग्रेनेड टोटली 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसमें एक तो 100% डैमेज देता है एंड जो बाकी 3 पार्ट्स होते हैं वो एनिमीज को 20% कट के ज्यादा डैमेज देते हैं, जिससे कि किसी भी एनिमी को नॉक करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं ग्रेनेड की टिप्स की ओर। तो सबसे पहले देखो, आपको ना ग्रेनेड को एनिमी के मूवमेंट के हिसाब से प्रेडिक्ट करके फेंकना आना चाहिए। आपको पहले एनिमी का मूवमेंट ऑब्जर्व करना है कि वो बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप उसका मूवमेंट ऑब्जर्व करके ठीक से अपने ग्रेनेड को कुक करके फेंक दोगे ना तो वो बंदा बहुत ही आसानी से नॉक हो जाएगा। जैसे कि इस क्लिप में देखो, मेरे सामने एनिमी होता है तो जैसे ही मेरे ऊपर रश करने आता है ना तो मैं जल्दी से ग्रेनेड को कुक करके लेफ्ट साइड वाली डोर पे फेंक देता हूं, जिसके बाद यहां पे 2 एनिमीज नॉक हो जाते हैं। उनके पास सोनिया होता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो एनिमी नॉक हुए हैं। एंड यहां पे एक और क्लिप में देखो, मैं एक बंदे को डैमेज देता हूं बट वो बंदा ऊपर चला जाता है, तो जैसे वो बंदा ऊपर जाता है ना तो मैं जल्दी से अच्छी तरह से ग्रेनेड को कुक करके दरवाजे के पास फेंक देता हूं, जिसके बाद वो बंदा काफी आसानी से नॉक हो जाता है। देखो जब भी आपका एनिमी मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज में होता है ना तो आपको हमेशा ग्रेनेड को एनिमी के सर के ऊपर ही एयर में ब्लास्ट करने का ट्राई करना है। अगर आप बढ़िया तरीके से कुक करके एनिमी के सर के ऊपर ही ग्रेनेड को ब्लास्ट कर दोगे ना तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से वो बंदा नॉक हो जाएगा। अगर उसने ग्लोअल भी लगा लिया ना तो फिर भी वो बंदा नहीं बच पाएगा। अब सेकंड टीम में देखो, आपके जिस जिस राउंड में साइबर एयरड्रॉप गिरने वाला रहता है ना तो आपको वहाँ पे साइबर एयरड्रॉप को टारगेट करना है। आपको पहले साइबर एयरड्रॉप को लूटने नहीं जाना है, आपको वेट करते रहना है एनिमी को साइबर एयरड्रॉप लूटने का। एंड फिर जैसे ही वहाँ पे एनिमीज आएंगे ना साइबर एयरड्रॉप को लूटने के लिए, तो आपको अच्छी तरह से कुक करके साइबर एयरड्रॉप के ऊपर ग्रेनेड को एयर ब्लास्ट कर देना है, फिर वहाँ पे आप काफी इजिली एनिमी को नॉक कर पाओगे। जैसे कि रिमना में जब भी साइबर एयरड्रॉप गिरता है ना तो आपको एक कवर के पीछे छुप के वेट करते रहना है, फिर जैसे एनिमी आता है तो आपको ग्रेनेड को कुक करके फेंक देना है। एंड इसके बाद देखो, शिपयार्ड में साइबर एयरड्रॉप को लूटने के लिए दोनों साइड से बंदे कंटेनर के पास वेट करते हैं, तो अगर आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे सामने ग्रेनेड को फेंक सकते हो कंटेनर के पास, वहाँ पे बंदा नॉक हो जाएगा। एंड वहीं अगर आपका राउंड अपोजिट साइड से स्टार्ट हो रहा है तो आप वहाँ से भी कंटेनर के पास ग्रेनेड फेंक सकते हो, वहाँ पे भी एनिमी नॉक हो जाएगा। अब मैं आपको बर्मुडा मैप के ऑलमोस्ट हर एक राउंड के बारे में बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको ग्रेनेड को कुक करके फेंकना है, जिससे कि वहाँ पे कम से कम तो एक बंदा नॉक हो ही जाए। तो सबसे पहले क्लॉक टावर में अगर आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जल्दी से यहाँ पे सीढ़ी के पास आके बैठ जाना है, जहाँ पे मैं भी बैठा हूँ। एंड यहाँ पर आपको वेट करते रहना है एनिमीज का, फिर जैसे वो आएंगे तो आपको जल्दी से ग्रेनेड को कुक करके फेंक देना है। इस जगह पे देखो, अगर साइबर एयरड्रॉप गिरता है ना तो बंदे अंदर भी कैंप करते रहते हैं नीचे के साइड, तो यहाँ से आप उनको भी नॉक कर सकते हो, या फिर अगर कोई बंदा ऊपर के साइड जाता है ना तो यहाँ से आप उनको भी नॉक कर सकते हो। अब वहीं अगर आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट होता है तो आपको जल्दी से भाग के इधर वॉल के पास आ जाना है, फिर यहाँ से आपको जल्दी से ग्रेनेड को कुक करके सामने वाले विंडो के पास फेंक देना है। विंडो के पास में काफी बार एनिमीज वेट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको नॉक्स मिल जाएंगे। अब सेंटोसा में देखो, अगर आप किसी भी एनिमी को राइट साइड से रोटेशन लेते हुए देखते हो ना तो आपको जल्दी से यहाँ पे ग्लोअल लगा के या फिर पिलर के पास रहते हुए ग्रेनेड को कुक करके डस्टबिन के ऊपर फेंक देना है, फिर वहाँ जो भी एनिमी होगा काफी आसानी से नॉक हो जाएगा। एंड इसी के साथ देखो, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में फेंस के पास आके सामने जो छोटा सा गैप दिख रहा है ना घर के अंदर, उस गैप से आप अच्छी तरह से ग्रेनेड को कुक करके फेंकोगे ना तो वहाँ पे जो भी बंदा वेट कर रहा होगा वो काफी आसानी से नॉक हो जाएगा। अब केप टाउन में आपको जल्दी से भागते हुए इस घर के पास आके राइट में जो भी बंदा होता है ना वॉल के पीछे, उनको आप काफी आसानी से इधर ग्रेनेड से नॉक कर सकते हो। अब हैंगर में अगेन आपको जल्दी से भागते हुए इस कवर के पास आ जाना है, फिर यहाँ से जो भी बंदा सामने वाले कवर के पीछे होल्ड कर रहा होगा ना उसको आप काफी आसानी से इधर से नॉक कर सकते हो। एंड इस ट्रिक का यूज करते हुए आप दोनों साइड से ग्रेनेड को फेंक सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सरप्राइज क्या है। देखो मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक रैंक पुश की सीरीज बनाऊं। एंड इस सीजन इसके लिए मैं फुल मैप में सिर्फ ड्यूओ में रैंक पुश करने वाला हूँ। अब अगर आप राकुश भाई के वीडियो देखते होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मैं किस टाइप की सीरीज की बात कर रहा हूँ। जब मैं सीरीज बनाऊंगा तो रैंक पुश की चीजों को मैं आपको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा एंड मुझे कंटेंट की भी कमी नहीं होगी, जिससे कि मैं रेगुलर रह पाऊंगा इस चैनल पे। तो आप मुझे इस चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या मुझे सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। अब मार्स सेलेक्टर में देखो, ज्यादातर बंदे राइट साइड से ही आते हैं, चाहे वो इस साइड हो गया या फिर अपोजिट साइड से हो गया। तो आपका राउंड चाहे जिस भी साइड से स्टार्ट हो रहा है ना, आपको जल्दी से भागते हुए यहाँ से आके सामने ग्रेनेड को फेंक देना है, फिर जो भी बंदा होगा ना वुडन ब्लॉक के पीछे वो नॉक हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेटर में देखो, आपको जल्दी से ऊपर के साइड से इधर आ जाना है, फिर सामने जो कार के पास ड्रॉप गिरता है ना वहाँ पे काफी बार बंदे कैम्प करते हैं, तो यहाँ से अगेन जब परफेक्ट तरीके से ग्रेनेड को कुक करके फेंकोगे तो वहाँ पे बंदा नॉक हो जाएगा। अब कटोलिस्टा में देखो, आपको जल्दी से इधर फेंस के पास आ जाना है एंड यहाँ से ना आपको अक्सर ग्रीन हाउस में बंदे मिलेंगे, तो इधर से ग्रेनेड को कुक करके ग्रीन हाउस के दरवाजे के पास फेंक देना है, फिर वहाँ पे बंदा नॉक हो जाएगा। अब इसी के साथ देखो, अगर आपका राउंड उस साइड से स्टार्ट होता है ना तो आपको जल्दी से भागते हुए सेल
बेलशेप पे आ जाना है। फिर सामने अगर कोई बंदा ग्रीन हाउस पे कैंप कर रहे हैं तो आप काफी आसानी से उसे नॉक कर सकते हो। अब मेल में देखो, एक तो आप यहाँ से स्टार्टिंग में ग्रेनेड को कुक करके फेंक सकते हो, जिससे कि अगर कोई बंदा सीढ़ी से आता है ना तो वो नॉक हो जाता है। एंड इस वाले साइड से भी आप जल्दी से इधर वुडन ब्लॉक के पास आके ना सामने गाड़ी के पीछे ग्रेनेड को फेंक सकते हो। फिर वहाँ पे भी बहुत बार बंदे आते हैं तो वो भी नॉक हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक और बहुत ही कमाल की जगह बताने वाला हूँ। देखो, कई बार जो भी बंदे वुडन ब्लॉक के पास होते हैं वो सामने से ग्रेनेड को कुक करने के बाद नॉक नहीं होते हैं, तो उनको नॉक करने के लिए ना आपको जल्दी से भागते हुए इधर नीचे की साइड आ जाना है। एंड यहाँ से जो आप नीचे की साइड आ जाओगे ना तो आप काफी आसानी से ग्रेनेड को कुक करके उन्हें नॉक कर सकते हो। अब न्यूयॉर्क डैम में देखो, आपको जल्दी से इधर वुडन ब्लॉक के पास आ जाना है। फिर यहाँ से अगर कोई बंदा दरवाजे के पास आता है ना तो उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा। फिर इधर से आप काफी इजिली उनको नॉक कर पाओगे। एंड इसी के साथ आप यहाँ पे लेफ्ट साइड की बजाय अगर आप राइट साइड में होल्ड करते हो ना कंटेनर के पास, तो यहाँ पे काफी बार बंदे राइट साइड में आते हैं, तो उन्हें भी आप इधर से काफी इजिली नॉक कर पाओगे। और फैक्ट्री में देखो, जब भी मैं इधर आता हूँ ना तो अक्सर यहाँ पे सामने से कोई ना कोई बंदा आता ही है, तो वो जो एनिमीज होते हैं ना वो अंदर के साइड चले जाते हैं, जिससे कि उनको नॉक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको नॉक करने के लिए ना आपको अच्छी तरह से ग्रेनेड कुकू करके अंदर के साइड फेंक देना है यहाँ पे पास ही में। फिर वहाँ पे वो या तो काफी ज्यादा डैमेज हो जाएंगे या फिर वो नॉक हो जाएंगे। अब लास्ट में पूछी नुक में देखो, अगर आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट होता है ना पीक वाले साइड से, तो आपको जल्दी से भागते हुए सीमेंटेड वाले घर में आ जाना है। फिर यहाँ से बैठ के जो भी बंदा डबल डोर वाले घर के ऊपर आता है ना, उन्हें आप काफी आसानी से नॉक कर सकते हो। बट इसके लिए आपके पास बिस्टन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास बिस्टन नहीं होगा तो उतना ज्यादा दूर आपका ग्रेनेड नहीं जाएगा। तो यार, इन्हीं सारी चीजों को मुझे बताना था आपको इस वीडियो में। अब अगर आपको फुल मैप में रैंक पुश करने की टिप्स चाहिए ना, तो आप लेफ्ट साइड वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। एंड वहीं अगर आपको सीएस में रैंक पुश करने की टिप्स चाहिए तो आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।